आजा आजा। ये दूसरा मॉर्निंग है। मैं और लॉरेंस दोनों भी उठ चुके। मतलब लॉरेंस 3 दिन पहले उठ गया था, 3 दिन बाद उठा। और मेरे को नहीं पता ये ऐसा कितने लोगों के साथ होता है कि जिस दिन भी तुम लोग लेग्स मारते हो, अगर तुम्हारा लेग वर्कआउट इंटेंस जाता है तो उस रात को नींद थोड़ा सा अनईजी आता है। मतलब ऐसा लगता है कि मतलब आधा अधूरा नींद आता है, बीच बीच में उड़ जाते हो, वैसा वाला। यार ऐसा होता रहेगा तो इसका क्या मतलब क्यों होता है और इसका सोल्यूशन क्या है वो बताओ यार, अच्छा लगेगा दिल को। बाकी कल हम रात को ब्लैक एडम्स देख के सोने का प्लान था हमारा, इतना अच्छा नहीं लगा बेबी, बिकॉज हम लोग बहुत थके हुए थे, 2 बजे देख रहे थे हम लोग, इसलिए भक्के जाके ऊपर चले गए। अभी लॉरेंस हमारे लिए ब्रेकफास्ट बना रहा है, मैं वीडियो एडिट करके डाल रहा था। हैं हमारे घरेलू हैं। अरे 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 अरे, फुल आज फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट बनाया, फुल ऑल द वे फ्रॉम ब्रिटिश। चिकन शलामे, eggs and brown breads and stuff, you know, with some minced mayo and chili honey and mustard honey, mustard chipotle. चार ही खाऊंगा मैं। तेरा सब कुछ फर्स्ट टाइम ही होता है। बाकी जो भी है ये सारा सब कुछ अपन छोड़ते हैं। वेलकम बैक टू चैनल ऑफ यूट्यूब। और मेरे को बता दो आप सारे कैसे? बढ़िया, बहुत सही भैया। मैं मेरे को पता तुम लोग सारे बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। हम लोग फटे नाश्ता कर लेते और फिर तुम लोग को लॉरेंस का डिटेल बताते हम लोग। जो दो तीन डिटेल अपन ने देखे और जो दो तीन लोगों ने एकदम दिलचस्पी दिखाई है डिटेल देखने के वास्ते। दो तीन बहुत सारा कमेंट पढ़ा तू, मैंने 2-3 तक ही छोड़ दिया स्टार्ट के। वही जो भी लोगों को लॉरेंस की डिटेल्स में दिलचस्पी होंगी वो तुमको देंगी। मतलब सलामी को फर्स्ट टाइम बनाया हम लोग, तो ये ऑयल फ्राई है। अच्छा, उसको थोड़ा एयर फ्राई किया है फर्स्ट टाइम, मतलब कितने कैसा लगता होता है। बाकी रिव्यूज तो तू दे देना। अच्छा, तू तो है अपना गेस्ट ऑफ, भाई ऑफ ऑनर। अच्छा साले, गेस्ट बोल मेरे को, गेस्ट को ज़्यादा शरबत मिलता है। खाने का टाइम रहेगा तभी मेरे को गेस्ट बोला ब्रो, उनको ज़्यादा खाना और शरबत मिलता है। भाई को समझ के लेना पड़ता है कि भाई के पास खाना नहीं है तो चलो अपन थोड़ा सा मैनेज कर लेते, गेस्ट रहेगा तो मेरे को क्या है। अच्छा अच्छा भाई, तो किडनी बेच के मेरे लिए शरबत लेके आ। वो तो गेस्ट था, मतलब वीवीआईपी वाला ही। किधर जा रहे? उससे पहले मैं दिखाना चाहूँगा थोड़े से डिटेल्स तेरे। वन ऑफ द डिटेल्स जो मैंने नोटिस किया वो है कि लॉरेंस के पास ये विंटेज कार्स है। मेरे को नहीं पता बचपन में कितने लोगों को इससे खेलने में मज़ा आता था, एकदम स्मूथ वाला। हाँ, और अगर तुम लोग नोटिस करोगे तो सब कुछ घर के पैलेट से जा रहा है, येल्लो ही है। मेरे घर पे तो रेड ब्लू ग्रीन सब होता था। और सिर्फ यही नहीं वाला, ये वन ऑफ दोज कार्स है जिसका दरवाज़ा खुलता है और अंदर इंटीरियर है इसके। यस, ये वो कूल स्टफ्स में से है। बाकी इसके पास ये बंदूक भी है। बनता है? हाँ। इतना हेवी क्या है ये? अरे वो शिकारी बंदूक है, ऐसा कुछ सीन नहीं है उसका। तो शिकार ऐसा करते हैं ये मार के खेलते वजन रहता ना। बाद में इसने कल गोली नहीं दिखाया था मेरे को, ये गोली मेरे को भी लगेगा तो मैं भी मर जाएगा, लड़ी हो जाएगा ना ऐसा चीज देख के। पकड़ना। हाय हाय, दो है भाई। अच्छा दोनों पकड़ते फिर वहां से। फिर गाइस ये शंभू शिकारी, ये लंबू शिकारी। बेटा लोड कैसे करते हैं ये? लोड करने का गरज है क्या? हाँ, फिर गोली कैसे डालेगा? नहीं नहीं मतलब गोली डालना तो ठीक है, ऐसा सब सीन है। मैंने लेग्स मारा तो रुकेगा मेरे को ये ना। हाँ, फिर उसमें वो गोली जाएगा। हो गया। अच्छा पूरा नहीं खुला ना ये? अभी बुलेट ही आएगा और फिर इसको बंद करना।
पूरा खुलता है, मैं तो पूरा नीचे वो कर दिया मैंने। बुलेट है इसमें? नहीं नहीं नीचे ना फायर ठीक है, डर निकल गया। अभी शंभू शिकारी ने शूटिंग कर लिया, पहली बार गोली चलाई ले। सामने आना नहीं, अभी मैं डेंजरस मैन है एकदम। बोलता ना क्या ना, चिड़िया ना। हाँ किधर है? एक डेढ़ हफ्ते से रुक चुका था इसमें शायद। कैनिबल हमारा थ्री इडियट्स का माधवन है, को एनिमल फोटोग्राफी पसंद है, एनिमल और नेचर फोटोग्राफी। फट से भक्के जाके उड़ा दूं क्या पंछी? ओ मिल गया यार, टैलेंटेड बॉय। ये इतना बाहर जाता है फोटो खींचने के लिए, ये तो इधर ही सारे है इसके फैमिली मेंबर्स। लाल मेरा आँख ये हो जाता है बाद में ऐसा ही। हाँ करेज द कावर्डली डॉग ने थोड़ा सा टेरराइज कर दिया ना ये लोग को देख के। हाँ बंटे बंटे चिकन भी है, आनंद भाई जैसा बैठा हुआ है बट चिकन अंदर। आनंद भाई ये चिकन आनंद भाई जैसा क्यों बैठा हुआ है? ये सब तुम्हारे ही चिकन है क्या? क्या बोलते हैं झाड़ लगा कर रखा है, कड़ी पत्ते का झाड़ है। कौन सा? ये जो बड़ा झाड़ है नारियल के पास दिख रहा है। नारियल के पास दिख रहा है ये वाला? ये इतना बड़ा कड़ी पत्ता है? साले तू तो बहुत बेच के कमा सकता है, दो दो रुपया करके। पीछे नारियल का झाड़ है, ऊपर के सीताफल ये सब आता है वो पपैया। भाई तू तो खेती बाड़ी करने वाला इंसान है। नहीं मॉम को ऐसा थोड़ा साइड पे ऐसा थोड़ा लग रहा करने के लिए अच्छा लगता है गार्डनिंग टाइप। ये गार्डन नहीं बोलते बंटे, इसको जंगल बुलाता हूँ मैं। हाँ बंटे गार्डन वो छोटा छोटा घास वाला, ये क्या है? ये इतना बड़ा बड़ा गार्डन थोड़ी ना होता है। नहीं नहीं करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, या फिर माय स्कूल लाइफ वाज अ लाई। मेरे लिए ये तो जंगल हुआ भाई, मिनी जंगल, पर्सनल जंगल। बंटा ये कौन सा पंछी है ये? अच्छा कबूतर है, इतना वाइट कबूतर तो कभी देखा नहीं रे, ये ऐसा तो कभी नहीं देखा। शीश मैंने ना लाइफ में कभी सोचा नहीं था कि मैं गोराई एक्सप्लोर करने आऊँगा, मतलब गोराई भी एक्सप्लोर करने ऐसा रहेगा, क्योंकि स्कूल टाइम से गोराई बहुत फेमस जगह है ऐसा, और स्कूल टाइम से मैं ऐसा सुनते आया हूँ कि गोराई में खाली लोग बैंग 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 करने आते हैं। तो मतलब मैं भी यहाँ पर इनफैक्ट दो ही बार आया, एक बार अपने फ्रेंड्स के साथ सस्ता पार्टी करने 9th स्टैंडर्ड में, और एक बार कभी तो भी आया था वही मैं लॉरेंस को बोल रहा था कि बहुत बड़े विला में पार्टी करने को आया था, बट मेरे को घंटा याद नहीं है वो किसका पार्टी था, कुछ याद नहीं। मेरे को सिर्फ इतना याद है कि स्विमिंग पूल में सब लोग नंगे नहा रहे, लोग नाच रहे, बस इतना ही याद है मेरे को। बट देन सही है यार, बहुत सारा चीज़ है यहाँ पर घूमने लायक। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि गोरा ही बोलेगा तो मिनी गोवा हो गया, तो क्या बोलते हैं ना सेम। मतलब कल भी रात को हम लोग अभी खाना खाने को जा रहे थे, अभी हम लोग ढूंढ रहे थे ऐसा जगह, फुल गोवा वाला फीलिंग आ रहा था यहाँ पर।
तो आई थिंक मतलब मेरी मम्मी को भी पता है उत्तन साइड बहुत ब्यूटीफुल है, मेरी मम्मी बोलती थी सा उत्तन अच्छा है, बट देन तेरे को दिखाऊंगा ना घर के सामने वाला पहाड़ है ना, हाँ वहाँ से और एक मतलब बड़ा पहाड़ है, बट तू वहाँ से तू बोरेवली देख सकता है। हाँ ये पहाड़ है, इसके पीछे है, तू देखेगा बाद में तो बीच दिखेगा। ओह तो इधर मतलब सब कुछ है, बीच है, रिसोर्ट्स है, खाने पीने को अच्छा एकदम लोकल तुमको खाना मिलेगा यहाँ पर। तो वो साइड हो जाएगा ना यहाँ पर तेरे को पूरा मतलब फिशरमैन है ना। हाँ सी फूड अच्छा मिलेगा इधर। सॉरी भाई लोग बैटरी खत्म हो गया था, वो उधर लॉरेंस का घर है, वो टेरेस है चेक वाला जो है जहाँ पर मैं 100 मीटर रेस कर रहा था फर्स्ट डे पे। नीचे भी प्लांट लगा है, इधर भी ऐसा प्लांट है पूरा। तो मतलब इन शॉर्ट ये पूरा प्रॉपर्टी भाई का ही है। चुप कर नहीं रे क्या बोलता है, तो फिर मेरा ही क्या, मैं आके रहूँ क्या इधर। हाँ मतलब मंथ भी नहीं, लो बात ऊपर आ रहा है क्या, 4-5 साल बोल रहे इसमें क्या है, उनका मेंढक है। हाँ, ये कुछ नहीं करेगा, ये नॉर्मल वाला है। फॉक लॉरेंस ने ना एक स्केरी मेंढक वाला स्टोरी बताया मेरे को, बहुत डर गया। नहीं जरूरत नहीं बंटा है, कूद कूद जाएगा कैमरे पे। नहीं कूदेगा मतलब क्या, तेरा भाई है क्या, तेरे को पता है तेरा बात सुनेगा वो, नहीं सकता ना। शेर जाने नहीं देंगे तुझे। बस तू पानी में ऐसा मत लेके जा रहे, गीला गीला मट्टी से डर लगता है मेरे को, स्टिफ नहीं रहेगा ना। बंटा किधर लेके जा रहा है, बंटा डूब जाएंगे। नहीं ब्रो, बंटा गिर जाएंगे। नहीं ब्रो मैं हूं ना, बंटा मैंने सॉक्स पहना हुआ है, बंटा गिर जाएंगे, मैं बोल रहा है गिर जाएंगे, मेरे को फीलिंग आ रहा है। घुमा ले पानी से दूर लेके जा, मेरे को सॉक्स भीगता है पसंद नहीं आता। नहीं भीगेगा तेरा सॉक्स। बहुत ज़्यादा ऐसा चढ़ बढ़ के आए ले, क्या बोलता है तू। हाँ ये मेरे घर के सामने वाला पहाड़ है। अच्छा वो वाला तो देख लिया, खत्म हो गया है वो साइड। हाँ। के वो साइड में तो बीच है। अच्छा यहाँ से तेरे को पूरा भाईंदर मीरा रोड और बोरेली, ऐसा बोलता है। मस्त कार्डियो हुआ ये साइड भी है ब्रो, बहुत ट्रैक करने के लिए दिख रहा है, जैसे आगे दिख रहा है। नहीं नहीं बस ये ट्रैक कर रहे उतना ही काफ़ी है, वो भी लेग्स मार के कल। ये साइड बाइंडर वो पूरा मीरा रोड वो सब वो आ गया अपना बोरेली दही सर। क्या बोलते है तो मातेरान महाबलेश्वर वाला फीलिंग्स हो गया ब्रो। पूरा कोस्टल एरिया था ना। हाँ मच्छी बिच्छी वाला काजल की। अरे इतना थक गया ना रे, स्कूटी के पीछे बैठ बैठ के थक गया, इतना थक गया कि जांग उसके बीच का पार्ट पूरा छिल गया रे पीछे बैठ बैठ के। जांग और जांग के बीच का पार्ट छिल गया पूरा, मतलब घस गया पूरा। अभी उधर माचिस लेके तुम लोग जला सकते हैं, एक माचिस का कांडी ऐसा रफ हो गया रहेगा वो जगह। मैंने इसको बोला बंटा अभी मेरे को स्कूटी चलाने दे रहे, तो मैं स्कूटी चला के आया ना दूर तक। हो गया चलते हैं। अरे कह रहे पागल वागल है कह रहे। हाँ अच्छा
मैन वर्सेस वाइल्ड हो जाएगा तेरा। हाँ ब्रो ब्रो एक क्वेश्चन था रे, तू वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करता है, तेरे को मेरे को फोटो खींचने आ रहेगा तो मेरे को क्या जानवर बनना पड़ेगा तब जाके अच्छा खींचेगा तू? नहीं रे बट इंटेलिजेंट जोक था कि नहीं? था कि नहीं भाई अभी हम लोग जस्ट इसके यहाँ से घूम फिर के अभी सब्वे खाने आए हैं, बड़ा थकने को हो रहा है भाई। कैसा लगा तेरे को यहाँ पे इतना घूमे ना? मस्त है बढ़ने, मतलब ऐसा आइसोलेटेड है, फार्म हाउस ऐसा फीलिंग है वहाँ पर कि वैकेशन मनाने आ सकते हैं अपन, है ना? वैकेशन हम बनाने जाते तो वैकेशन में रहता है बोले नहीं नहीं मैं रहता है बाइंदर में, मेरे मेरा घर है उसका घर नहीं था, मैं झूठ बोल रहा था मेंडोंग का मेरा सर नहीं था। चले बंटा है, मिलते हैं, सी यू टुमारो। यस माय लव, थैंक यू फॉर ड्रॉपिंग मी ऑफ माय लव। से चल के घर आया क्योंकि कोई रीज़न नहीं था, एक तो मैं वॉलेट भूल गया था, फिर मैं सोच रहा था कि मैं रिक्शा वाले से पूछूं कि यूपीआई एक्सेप्ट करोगे, फिर वो मना करेगा शायद, तो फिर मैंने सोचा कि मम्मी को कॉल करूं, बट जब मैं जिम से निकल रहा था तब मम्मी वॉकिंग पे जाती है, तो उससे अच्छा मैंने सोचा यार मेरे को कार्डियो भी करना ही है तो मैं चल के निकल गया। ऐसा कोई खास रीज़न नहीं था, बस अच्छा फील कराने का था खुद को और रिजेक्शन से दूर जाना था क्योंकि मैं बहुत थका हुआ था। फिर मैं जिम से घर आया, मैंने थोड़ा सा एडिट किया, फिर मैंने क्लास लिया 12 बजे ख़त्म किया, अभी मैंने थोड़ा सा वापस से एडिट किया और अभी मैं ब्लॉग ख़त्म करने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ। बट आज के दिन में वापस से दो लोग मेरे को ऐसे मिले जो लोग मेरे सब्सक्राइबर्स, एक तो लॉरेंस का कज़न भाई था, मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था, उसने बोला कि मैं आपके ब्लॉग्स देखता हूँ, और दूसरा मेरे को आज जिम में मिला एक जन, बोला कि मैं आपको बहुत एडमायर करता हूँ। तभी मैं सोच रहा था कि यार एडमायर करने ऐसा तो मेरे ब्लॉग्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता, बट जो भी है यार मतलब अच्छा लगता है, ऐसा नाइस लगता है कि लोग सामने से अप्रोच करते हैं और बोलते हैं, इतना मेरे लिए बहुत मीन करता है वो चीज़, है ना? मैं ऐसा सामने बहुत शाई हूँ बट मैं बाद में प्रोसेस करता हूँ उस चीज़ को, तो थैंक यू सो मच ये एनर्जी के लिए, है कि नहीं? बाकी आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, तुम लोगों को पता है तुम लोग क्या करना है, तुम लोगों ने लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट और दुआ, अपन तुमको मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। ऑलराइट टेक केयर बाय पीस। जाने बंटा पक से कूदेगा माथे पे आएगा, वो शादी में मालूम है लड़कियां मांग टीका लगाती है वैसा चढ़ जाएगा माथे पे, हल्के में मत ले उसको, बोल रहे शांत बैठ रहे तो ज़्यादा घुस रहे क्या? अरे उसको समझ थोड़ी ना है, वो तो नादा नहीं रहे, देख रहे कैसा देखता है ये, दिख रहा है थोड़ा पानी के अंदर भी सर, डंडे पे खड़े हैं ना वो, तो सही लग रहा है। हाँ दैट्स व्हाट शी सेड, दैट्स व्हाट ही सेड, डंडे पे खड़ा तो अच्छा लग रहा है।